नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को मंजूर कर लिया। लालू प्रसाद यादव को 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी को लेकर अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता से बात करते हैं कि इनमें कितनी खुशी की लहर है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत हो चुकी है, कितनी खुशी की लहर है? देखिए, उसमें हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे गार्जियन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मेन मालिक हैं, हमारे घर के मालिक के जो जेल में थे, आज जेल से बाहर आए हैं, उनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेल मिला है। तो हम लोग बहुत खुशी का लहर है, बहुत खुश है, क्योंकि वो गरीब दलित पिछड़े दबे कुचले सबके ये मसीहा हैं। और जब से उन्होंने होश संभाला और राजनीति में आए, तब से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, और सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने का आवाज़ उन्होंने बुलंद किया, और सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने दबे कुचले लोगों को आवाज़ दिलाने का, उनको बोलने का अधिकार दिया। और इतने दिनों से वो जेल में थे कोई साजिश के तहत, तो हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग पहले से ही बोलते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिलेगा, क्योंकि वो गरीब के मसीहा है, उनको उसी के तहत आज न्याय मिला है। गरीबों की दुआ, सबका आशीर्वाद उनके साथ था, तो उनको आज न्याय मिला। उस न्याय के तहत वो जेल से आज बाहर हुए हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी खुश है, राष्ट्रीय जनता दल खुश है। और उनके देख रेख में, उनके नेतृत्व में हम लोग अब जो पूरे देश में, झारखंड हो, बिहार हो, और राज्य देश के हर राज्य में राष्ट्रीय जनता दल तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को एक नया पहचान देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, जब घर के मुखिया नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे, आपको दिशा निर्देश या निर्देश करने वाला या आपको बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। हम सिंपल सी बात करते हैं, घर के परिवार में ही हमारा कोई, अगर जो परिवार का जो मेन मालिक होता है, अगर घर में नहीं रहे, जेल में रहे, तो घर के परिवार तो अस्त व्यस्त रहेगा, खुल के काम नहीं कर पाएगा। वही है हमारे राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के तहत हम लोग काम करते हैं। वो हमारे मालिक जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, वो जेल में थे, अब वो बाहर आ गए हैं, हम लोग को काम है, फ्री होकर काम करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को नई पहचान हम लोग दिलाएंगे। अभी तबीयत तो क्योंकि डॉक्टर की निगरानी में है, एम्स में है, अब एम्स को डिसीजन लेना है कि क्या करेगा, उनको कब तक एम्स से छुट्टी मिलेगी, क्या होगी, अब तो फिलहाल वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल। तब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो गरीबों के मसीहा माने लालू प्रसाद यादव जी का जो बेल हुआ, और माता रानी से, रातू रोड ओला मैया से, दरबार से हम निकले थे पूजा करके, तो सभी को बोला कि नहीं, आज बेल हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक में हम मोराबादी जाते हैं, वहाँ के लोग भी बोले कि सब दुआ कर रहे थे कि आज लालू जी का बेल हो जाएगा, मिठाई खिलाइएगा। और आप चौथे स्तंभ हैं, दिन रात हम लोग से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी कुछ दुआ और कुछ आशीर्वाद आप लोग का भी रहा। और न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा था कि इस बार गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का बेल सुनिश्चित है, और हम लोग लगातार सभी कार्यकर्ताओं के, सभी जितने भी मीडिया बंधु थे, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे, सबको हम लोग निगाह वहीं पर टिका हुआ था। जैसे ही न्यायालय का प्रक्रिया आया, न्यायालय का जो बिल की प्रक्रिया आया, मैं बहुत खुश हुआ। झारखंड के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी से बात हुआ, युवा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी राजीव झा जी से बात हुआ, एवं तमाम पदाधिकारीगण से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल जी से बात हुआ, सभी से लगातार तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी और माननीय मीसा भारती जी एवं गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी से एवं तमाम लोगों से हम लोग रूबरू होते रहे। और मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे थे, सभी को जैसे जैसे हो रहा था धड़ाधड़ फोन बज रहा था, सभी को शुभकामना दे रहे थे, सभी को बोल रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश महासचिव कमलेश यादव।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके चेहरे पर खुशी का माहौल है, चाहे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी के चेहरे पर खुशी का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के बिना तो सब धीमा हो चुका था, अब RJD काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। GN भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।